आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। रोजा रख कर राम भक्तों की प्यास बुझाई गई, फल पानी तकसीम किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। वर्क राजस्थान चैप्टर ने लाइक हसन की कियादत में रामगंज से गुजरने वाली शोभा यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। खवातीन की टीम ने जुलूस में शामिल खवातीन में फल तकसीम किए। सैयद असगर अली ने बताया कि हम आहंगी और बाहमी मोहब्बत और भाईचारे के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी है, क्योंकि हम सब स्वयंभू मनु हैं। मनु और शत्रुघ्न के बच्चे हैं, आदम हवा के बच्चे हैं। इस जज्बे के समझते हुए जुलूस का शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। ख्याल रहे कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन सतयुग की आमद के लिए काम कर रही है। उनका मानना है कि जब सतयुग शुरू होगा, हिंदुस्तान आलमी गिरोह होगा। सैयद असगर भी है, जैसा कि आपको मालूम है, वर्क राजस्थान चैप्टर की तरफ से हम आज रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा का पुष्प वर्षक से स्वागत करने वाले हैं और साथ ही रोजा रख के राम भक्तों की हम प्यास बुझाएंगे, पानी बांटेंगे और फल हमने बांटने का इंतजाम किया। लगभग हम 2.5 मन केले हम लेकर आए और फ्रूट लेकर आए। इसके जरिए से हम ये चाहते हैं कि आपसे सौहार्द प्रेम और भाईचारे का संदेश पहुंचे, क्योंकि हम सब आदम और हव्वा यानी कि स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न की संतान है, तो हम आपस में भाई भाई हैं और हमें तभी जब हम दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे, समुदाय बड़े समुदाय, तभी हम भारत को सतयुग की तरफ ले जा सकते हैं और सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा, यही हमारा लक्ष्य। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।